रामपुर थाना अजीमनगर क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ एक दरिंदे सब्जी वाले ने खाली पड़े मकान में ले जाकर रेप का प्रयास किया। शोर शराबा होने पर सब्जी वाला व्यक्ति वहां से फरार हो गया। यहां बता दी कि पड़ोस के गांव का सब्जी वाला पास के दूसरे गांव में सब्जी बेचने आया। एक मकान मालिक ने सब्जी खरीदी और घर में चली गई। उसकी 7 वर्षीय पुत्री वहीं खड़ी रह गई। सब्जी वाले की नीयत खराब हुई और उसने बच्ची को मोबाइल में गेम दिखाने के एवज में खाली पड़े मकान में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए रेप का भरसक प्रयास किया, लेकिन शोर शराबा होने पर वह व्यक्ति वहां से फरार हो गया। बच्ची ने इसकी शिकायत परिजनों से की। परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। SP रामपुर अरुण कुमार ने बताया। थाना अजीमनगर में नाबालिग से रेप हुआ, क्या है मामला? कल की घटना है। थाना अजीमनगर में एक नाबालिग बच्ची से, जिसकी उम्र 6-7 साल है, रेप के प्रयास का मामला है। बगल के गांव का सब्जी वाला दूसरे गांव में सब्जी बेचने आए। जो पीड़िता लड़की, उसके परिवार वालों ने सब्जी खरीदी और फिर अपने घर में चले गए। ये सब्जी वाला बगल में ही एक मकान है जिसमें गौजू है, खाली पड़ा था, उसके सामने चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। उस चारपाई पे लेट गए। पीड़ित लड़की 6-7 साल की जब वहाँ आई तो उसने उसका मोबाइल दे दिया, उसमें गेम वगैरह लगा दिया, गेम देख रही थी, और उसने उसको बैड टच इंटेंशन अपने पास लिया। शिकायत की तत्काल मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है। जो कुछ भी इसमें मेडिकल परीक्षण होने हैं वो सब कार्यवाही हो रही है। पीड़िता के अभियुक्त के कपड़े भी ले लिए गए हैं, उनका भी परीक्षण कराया जाएगा और साक्ष्य के क्रम रिपोर्ट माननीय न्यायालय को जल्दी से जल्दी प्रेषित करें। पास्को एक्ट वगैरह भी लगाई गई है, बट नेचुरल है जब 6-7 साल की बच्ची है तो पोक्सो अधिनियम में अपने आप अभियोग ही बन जाता है।